الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون دنيا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے जिसके ऊपर कोई मुसीबत ना आती है। और इंसान पर ये जो मुसीबत आती है इसकी तीन वजहें होती हैं। एक तो ये मुसीबत किसी गुनाह की सजा होती है। अल्लाह ने फरमाया मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये मुसीबत जो तुम्हारे ऊपर आई है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। यानी इंसान के ऊपर जो मुसीबत आती है उसकी एक वजह उसके गुनाह होते हैं, उसकी खताएं हो। मुसीबत की एक दूसरी वजह कि इंसान पर जो मुसीबत आती है वो उसी गुनाह की सजा नहीं बल्कि उससे मकसूद इंसान के किसी गुनाह का कफारा हो। सूरह तगाबुन में अल्लाह ने फरमाया मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और हदीस है कि मोमिन के पैर में अगर कांटा भी चुभ जाए तो कांटा चुभने से उसको जो तकलीफ होती है इस तकलीफ की वजह से उसका कोई गुनाह माफ हो जाए। तो बोला कि एक मुसीबत ऐसी भी होती है जिसकी वजह से इंसान के गुनाहों का कफारा हो जाता है। तो मुसीबत की ये दूसरी वजह। तीसरी वजह, अल्लाह ने बंदे के लिए एक बुलंद मकाम तय किया होता है कि बंदे को ये बुलंद मकाम देना है, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि बंदा कोई भी अमल कर ले कितना भी बड़ा अमल करे वो मकाम नहीं पा सकता। यानी अपने किसी अमल की वजह से वो बुलंद मकाम हासिल नहीं कर सकता, तो अल्लाह क्या करता है उसके ऊपर कोई मुसीबत नाजिल कर देता है। अब इस मुसीबत की वजह से बंदा उस आला मकाम को हासिल करे। बोला इंसान पर जो मुसीबतें आती हैं, जो भी मुसीबत आती है तीन वजह होती है। एक तो उसके किसी गुनाह की सजा होती है, दूसरे गुनाह का कफारा होती है, और तीसरे
अल्लाह के तयशुदा बुलंद मकाम के हुसूल का जरिया होते हैं। ये पहली चीज थी जिसे जहन नशीन करना जरूरी। दूसरी चीज ये जहन नशीन करें कि पांच चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह की तरफ से मुतय्यन और तयशुदा है, इसके खिलाफ नहीं होता। एक तो लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तौफी रिज़्क़हा, ये इब्न माजह की रिवायत है, सही रिवायत है कि किसी नफ्स को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक कि वो अपना रिस्क ना पूरी तरह हासिल कर ले। अल्लाह ने किसी इंसान के हक में जितना खाना लिखा है उस खाने का आखिरी दाना जब तक उसके हलक के नीचे नहीं उतर जाता तब तक उसे मौत नहीं। अल्लाह ने जितना पानी पीना उसके हक में मुकर्रर कर रखा है जब तक उतने पानी का आखिरी कतरा उसके हलक के नीचे नहीं उतरता तब तक उसे मौत नहीं आती। तो कोई नफ्स उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक कि वो अपना रिस्क पूरा पूरा न ले ले, अपना रिस्क मुकम्मल किए बगैर कोई आदमी इस दुनिया से नहीं जाता। दूसरी चीज, रिस्क तो मुतय्यन है, मौत का वक्त भी मुतय्यन है। अल्लाह ने फरमाया जा अजलुन ला यस्ताखिरून सा'अतन वला यस्तक़दिमून, मौत आ गई तो न सेकंड पहले आती है न सेकंड बाद में, बिल्कुल अपने एन टाइम पर आ जाती, उसे ना आगे किया जा सकता है ना पीछे किया जा सकता है। तो ये चीज भी तयशुदा है, मुतय्यन है, रिस्क मुतय्यन है और मौत का वक्त भी मुतय्यन है। नंबर तीन, किस जगह मरेगा वो जगह मुतय्यन है। अस्पताल में बेड के ऊपर मरेगा, घर में अपने बेड के ऊपर मरेगा, या रास्ते में कहीं मर जाएगा, वो जगह मुतय्यन है। अल्लाह ने फरमाया कदरी नफ्सुन भी यही अर्जी कम हुआ, हमारे अलावा किसी को मालूम नहीं कि कोई आदमी इस सरजमीन में मरेगा, इस जगह पर मरेगा। बोया आदमी की मौत की जगह, उसका स्पॉट, उसका मकान मुतय्यन। तीन, नंबर चार, आदमी मरने के बाद दफन कहां होगा वो अल्लाह की तरफ से एक्वायर्ड जगह होगी। आज आदमी कहता है मेरी जगह, मेरा माल, दिस बिलोंग्स टू मी, दैट बिलोंग्स टू मी, दिस इज माइन, दैट इज माइन, ये मेरा, ये तुम्हारा, माया है, कुछ नहीं है, तुम्हारी जगह एक्वायर्ड है अल्लाह की तरफ से और तुमको वही दफन होना है। अल्लाह ने फरमाया भैया जब मुस्तकर रहा हो मुस्तौदा, अल्लाह को मालूम है तुम दुनिया में रहोगे कहां, और यह भी मालूम है कि तुम्हारे दफन होने की जगह कहां है। जानते हैं मौत एक ऐसी हकीकत है कि अगर आदमी को उस हकीकत का सही इदराक करना हो तो कब्रिस्तान में जाकर के देखो, और सबको ही जाना है, कोई बचने वाला नहीं, सबको मनोमन मुक्ति के नीचे चले जाना है। अल्लाह को मालूम है और यह तयशुदा है कि आदमी दफन कहां होगा। और पांचवी चीज कि इंसान मरने के बाद किन हालात से गुजरेगा, अल्लाह के अलावा किसी को मालूम। तो ये पांच चीजें जहन नशीन की जाए और मुसीबत को तीन वजह भी जहन नशीन की जाए। अब आइए समझे जाए कि मौत किसको देखते हैं, मौत किस चीज का नाम है। तो अल्लाह ने फरमाया कि दो जिंदगियां हैं, दो मौत, कई फतक फुरू नबी इलाहि वकुल तुम अमवात है फाहया है जाओ। तुम कैसे इंकार कर सकते हो अल्लाह का, जब तुम मुर्दा थे फिर तुमको जिंदा किया, फिर तुमको मौत दे देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट आएगा। दो मौतें हैं, दो जिंदगी है,
तुम तुम अमवात हो, तुम मुर्दा हो। तुम मुर्दा के क्या मतलब? तुम मुर्दा के इसका क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हारी जो रूह है वो तुम्हारे बदन से मुतसिल नहीं है। अल्लाह ने रूह को पहले बना दिया है, मां के पेट में इंसान के मुकम्मल बनने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने रूह को बना दिया है, और तमाम रूह जो कयामत तक आने वाली है, जिस्मों में मुंतकिल होने वाली है, तमाम रूह को अल्लाह तआला ने पहले पैदा कर दिया है। और अरवाह जुनून रूह जन्नत की रूह में जैसे एक लश्कर पड़ाव डाले हुए होता है, तो सारी रूहें उस लश्कर की तरह होती है जो लश्कर एक जगह जमा होता है, और एक रूह दूसरे रूह से मिलती भी है, और वहां जिस रूह को दूसरी रूह से मोहब्बत हो गई वो दुनिया में आने के बाद जिस्म से मिलने के बाद उस आदमी से जरूर मोहब्बत करेगी। वहां अगर मोहब्बत हो गई तो दुनिया में भी मोहब्बत, और अगर वहां नफरत हो गई तो दुनिया में भी नफरत। आप देखते नहीं, एक आदमी आपका कोई रिश्तेदार नहीं होता, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद दिल उसे चाहने लगता है, वो अच्छा लगने लगता है, वो अच्छा लगता है। और एक आदमी ऐसा होता है आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप उससे नफरत करते हैं, कहते मुझे अच्छा नहीं लगता। अमेरिका का यह न्यूयॉर्क का वाक्य है, एक आदमी अपनी कार से उतरता है और दूसरा आदमी उसको शूट कर देता है, वो आदमी स्पॉटिंग को मर जाता है। पुलिस पकड़ती है, कहती है कि जिस आदमी को तुमने शूट किया है, मारा है, तेरा दुश्मन था? बोले नहीं, बोले कुछ लेन देन था? बोले नहीं। फिर क्यों मारा उसको? कहा कि मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने उसको शूट कर दिया। चेहरा पसंद नहीं किया, इस वजह से मैंने शूट कर दिया। तो हदीस में है कि वहां अगर मोहब्बत हो गई रूह में तो दुनिया में भी मोहब्बत होगी, और अगर वहां नफरत हो गई तो यहां भी नफरत होगी। ऐसे ही दुनिया से जाने के बाद जब आदमी बरज़ख की जिंदगी में चला जाता है तो वहां भी एक रूह दूसरी रूह से मिलती है। पहले जाने वाली रूह बाद में जाने वाली रूह से मिलती है, जो पुष्टि है कौन कौन मरा, कौन कौन दुनिया से इधर आया। बोले फला आदमी आ गया, बोले फला आदमी आ गया, लेकिन मुझसे मिला नहीं है। अच्छा, तो मुझसे मिला नहीं, हमसे मुलाकात नहीं हुई, इसका मतलब वो दूसरी तरफ चला गया, उसका ठिकाना जानना है, हमसे उसकी मुलाकात नहीं हुई, इसका मतलब वो दूसरी तरफ चला गया। यह न सही की बात है, इसका मतलब यह है कि रूहें भी पहले मिलती हैं और मरने के बाद भी रूहें एक दूसरे से मिलती हैं। आलम अरवाह में भी रूह का मिलना एक दूसरे से होता है, और मरने के बाद आलम बरज़ख में भी एक रूह दूसरी रूह से मिलती है, और एक दूसरे से सवाल भी करती है, एक दूसरे का हाल चाल भी पूछती है, एक दूसरे की खैरियत फरियाद करती है। ये जो रूहें पहले बना दी गई हैं, तो समझो जिस्म में किसी रूह के डालने से पहले वो रूह बन चुकी होती है। आलम अरवाह रूह मौजूद, मां के पेट में बच्चा बनता है, तो जो रूह उस बच्चे के जिस्म में आने वाली होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस रूह को तो जिस्म के अंदर डाल देता है। रूह पहले बना दी गई वो आलम अरवाह में, अब बच्चा मां के पेट में बन गया, चार महीने के बाद उस बच्चे के बदन में रूह फूंक दी जाती। अब अगर चार महीने गुजरने के बाद बच्चा पैदा होता है, मरा पैदा हुआ हो या पैदा होने के बाद मर जाए, तो उसकी नमाज़ जनाज़ा पड़ी जाएगी, इसलिए कि वो जिंदा के हुक्म में। और अगर चार महीना मुकम्मल होने से पहले मर गया तो उसकी नमाज़ जनाज़ा नहीं है। चार महीने में जो है गिर गया,
साकित हो गया तो उसे जिंदा के रूप में नहीं माना जाएगा, उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। चार महीने के बाद रूह फूंक दी जाती है। अब अगर वो मुर्दा भी पैदा हुआ तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, इसलिए कि वो जिंदा के रूप में है, रूह फूंक दी गई। और अगर चार महीना मुकम्मल होने से पहले अगर वो गिर जाता है तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। इसी तरह कोई बच्चा कोई बच्ची बालिग होने से पहले अगर मर जाए तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ना जायज है, वाजिब नहीं। हां, बालिग होने के बाद उनकी नमाज जनाजा पढ़ना फर्ज कफाया है। फर्ज कफाया का मतलब ये, जैसे नमाज है तो फर्ज आयन है, हर आदमी को पढ़ना है, लेकिन फर्ज कफाया का मतलब चंद लोग अगर पढ़ ले तो यह फर्ज तमाम मुसलमानों से साबित हो जाता है, कोई मुसलमान गुनहगार नहीं है। यह फर्ज आयन और फर्ज कफाया में फर्क है। तो जब तक रूह बदन से मिलती नहीं तब तक आदमी हालत मौत में है। अल्लाह ने फरमाया कई फतरूना बिल्लाह मंगवा था, तुम अल्लाह का इंतजार कैसे कर सकते हो जबकि तुम हालत मौत में हो। हालत मौत में होने का क्या मतलब, रूहें बनी हुई है लेकिन अभी जिस्म में दाखिल नहीं हुई, तो रूहें जब तक बदन में दाखिल नहीं होती तब तक वो हालत हालत मौत है। यह तुम अमुआ था, और यहीं से यह नुकता मालूम हुआ कि मौत नाम है रूह का जिस्म से इंफिसाल, यानी जब तक रूह जिस्म से मिलती नहीं तब तक वो हालत मौत की है, और रूह जिस्म से मिलने के बाद निकल जाए तो भी हालत मौत। जब तक जिस्म से मिली नहीं वो हालत मौत की, और मिलने के बाद से निकाल ली जाए वो भी हालत मौत की है। ये दो हालत मौत की। तो मौत नाम है रूह के जिस्म से इंफिसाल का, और जिंदगी नाम है रूह के जिस्म से इत्तिसाल का। रूह मिल गई जिस्म से आदमी जिंदा, और रूह बदन से निकल गई आदमी मौत की हालत में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। यहां यह नहीं कहा गया हर नफ्स को मरना है, बल्कि एक बड़ी खूबसूरत ताबीर इस्तेमाल की गई कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। पता ही चला कि दुनिया में तमाम चीजों के जायके हैं, मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ जायके, और आदमी उन चीजों के जायके चख करके बता सकता है कि इस चीज का जायका कैसा है, इसके जायके की कैफियत क्या है। दुनिया के हर चीज के जायके को आदमी महसूस करता है, बरतता है और बता भी सकता है कि इस चीज का जायका क्या है, और एक चीज के जायके को कई बार ले सकता है, वो बरत सकता है। लेकिन मौत एक ऐसी चीज है कि उसका जायका आदमी सिर्फ एक बार चखता है और वो बता भी नहीं सकता कि मौत का जायका क्या है, उसकी कैफियत क्या है। दुनिया में आप मुख्तलिफ चीजों को जायके लेते हैं, लेकिन मौत एक ऐसा जायका है जो एक ही बार आदमी चखता है, और चखने के बाद बता भी नहीं सकता कि उस जायके की कैफियत क्या है। और हम लोगों को भी वो जायका चखना है, और चखने के बाद हम लोग बता भी नहीं सकते कि उस जायके की कैफियत क्या है। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और यह ऐसी चीज है कि आदमी कहीं भी है बच नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वा कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम अगर महलों के अंदर हो, तुम अगर किलों के अंदर चले जाओ जहां कोई दुश्मन तुम तक न पहुंच सके, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है कि उसे कोई दीवार कोई किला कोई महल कोई जगह रोक नहीं सकती, और ये मौत वहां भी पहुंच जाती है। आई नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वा कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम कहीं भी हो मौत तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हारी रूह निकल जाएगी।
पेटे की रूह निकलती कैसे, कहां से निकलती? इस सिलसिले में कोई सरीह बात तो नहीं है। उलमा ने इश्तिहाद किया है और हुक्मा ने बताया है कि हाथों की तरफ से और पैरों की तरफ से रूह निकलना शुरू होती है, और जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ती है पैर और हाथ बेजान होने लगते हैं, पैर बेजान हो जाते हैं, हाथ बेजान हो जाते हैं, और उसके बाद ऊपर चढ़ते चढ़ते ये रूह हुलकुम में आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह वाकिया के अंदर बयान फरमाया, फलौला इदा बलगतिल कुलूब वअंतुम हिनैज़ तंज़ुरून। इन दो आयतों के अंदर इंसान की बेबसी की इतनी शानदार तस्वीर कशी की गई है कि दुनिया के किसी अच्छे से अच्छे कैमरे से इस तस्वीर की कैफियत को बयान नहीं किया जा सकता कि जब रूह रूम में पहुंच जाती है उस वक्त तुम खाली देखते हो। मुफस्सिरीन ने इन आयात की तशरीह में लिखा है कि इन आयात में इंसान की बेबसी की तस्वीर कशी की गई है कि हमारा अपना कोई इस दुनिया से रुखसत हो रहा होता है, दुनिया से उससे पूछ का वक्त हो चुका होता है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, खाली हम देखते रहे। मान तो नहीं जिनका रूह हालत के अंदर पहुंच गई तो तुम सिर्फ देखते रहते, कुछ कर नहीं सकते। हमारा कोई अपनों से जुदा हो रहा है तो हम सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ देखते हैं, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। डॉक्टर के सामने से मलकुल मौत रूह निकाल करके लेकर चला जाता, जिन्होंने जिंदगी भर मेडिकल की तालीम हासिल की है ऑपरेशन थिएटर से निकलता है कहता सॉरी हम मरीज को बचा नहीं सकते, इतनी तलख की सॉरी हम मरीज को बचा नहीं सकते। कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत मौत को टाल नहीं सकते, बचा नहीं सकते। कुल से ज्यादा मौत एक इंसान है, जो भी चीज सांस लेती है उसे मर जाना है। कुरान में वो सुबह ही तनफस कसम है सुबह की जब वो सांस लेती है, कुरान के ऊपर सुबह भी सांस लेती है तो सुबह को भी मर जाना है। एक दिन ये कायनात नहीं रहेगी, सुबह शाम का निजाम बरहम बरहम कर दिया जाएगा, न सुबह रहेगी न शाम रहेगी, न ये जमीन रहेगी न ये आसमान रहेगा, न ये जमीन रहेगी न ये आसमान रहेगा, तो वो सुबह भी नहीं रहेगी शाम भी नहीं रहेगी, तो सुबह भी सांस ले रही है सुबह भी मर जाना है। ये दर्द भी सांस लेते हैं, ये भी नफ्स है, ये ऑक्सीजन छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड लेते, चूंकि ये भी कोई चीज लेते और कोई चीज देते हैं, लिहाजा इनको भी एक दिन मर जाना है, इसलिए कि ये सांस लेते। दरख्तों का मर जाना दरख्तों का सूख जाना है, और जब दरख्त सूख जाते हैं तो उसे आग के हवाले कर दिया जाता है, जैसे इंसान जब मर जाता है तो उसे मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है या दूसरे लोग उसे आग के हवाले कर देते जला जाता है। ये मौत जो आती है ये कैसे आती है? खुद बहुत निकलती है? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते के जरिए बदन के अंदर रूह डलवाता है, वो फरिश्ते अलग होते हैं। रूह डाल दी जाती है तो पूछा जाता है कि रब्बे तआला ये रूह हमने डाल दी, तो अल्लाह फरमाता है लिख, तो क्या लिखा? इसकी अजल लिख दे, इसका रिस्क लिख दे। इसी तरीके से ये शकी है ये सईद है, जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा ये भी लिख दे। तो ये लिखने वाले फरिश्ते अलग हैं, ये रूह डालने वाले फरिश्ते अलग हैं, और रूह निकालने वाले फरिश्ते अलग हैं। अल्लाह ने फरमाया कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी उक्किल लकुम थुम्मा इला रब्बिकुम तुर्जऊन। आप कह दीजिए कि मलकुल मौत आकर तुम्हारी जान निकाल लेगा और
और ये तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किया हुआ है, तुम इससे बच नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर मुकर्रर है, तुम कहीं भी चले जाओ मौत के आहनी पंजे से तुम बच नहीं सकते। ये वहां पहुंच जाएगा और जान निकालेगा तुम्हें। अच्छा ये एक है या इसके साथ और भी है। अल्लाह ने फरमाया तवफ्फतहुम रुसुलुना, हमारे जो भेजे हुए कासिद हैं वो उनको वफात देते हैं, उनकी जान निकालते। इसका मतलब यह है कि मलकुल मौत के साथ दूसरे फरिश्ते भी हैं जो इंसान की जान निकालते हैं। मलकुल मौत के साथ और दूसरे फरिश्ते होते हैं, वो भी उनके साथ आते हैं। अब जैसी रूह होती है वैसे फरिश्ते होते हैं। अगर रूह बदकार है, जिंदगी भर वो रूह गुनाह में डूबी रही, तो उसके लिए ऐसे फरिश्ते आते हैं जो इंतहाई खौफनाक होते हैं। आदमी देख ले तो पेशाब कर दे डर के मारे, ऐसे खौफनाक होते हैं। और ये कहानी नहीं है, इतने लोग चले गए अभी ये दिखाई नहीं दे रहे ना, जैसे मौत आई सारी चीजें दिखाई दे रही। और बदन से रूह निकलने से पहले ही आदमी के जबान पर मोहर कर दी जाती है, बोल नहीं सकता। और जैसे ही मोहर कर दी गई कि अब ये बोल नहीं सकता, उसके बाद आलम बाला के मनाज़िर उसके सामने आ जाते हैं। जो चीजें दिखाई नहीं देती थी दिखाई देने लगी। वो फरिश्ते जिनके बारे में हम मिंबरों मेहराब से बोलते थे और आप लोग बैठे सुनते थे, वो सारे के सारे आपकी निगाहों के सामने आ जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे, अरे ये हम किस आलम को देख रहे हैं और ये कौन से आलम का मंजर हमारे सामने आ गया है। और आप लोग देखने वाले जल्दी आ बैठे, हम लोग तो बचपन गुजार चुके, जवानी गुजार चुके और जिंदगी के तीसरे मरहले में है। अब आगे सिर्फ और सिर्फ मौत, आगे सिर्फ और सिर्फ मौत, और फिर मनोमन मिट्टी के नीचे चले जाना। ये इतनी संजीदा हकीकत है कि अगर आदमी इसको सीरियसली ले ले तो खाना हजम नहीं होगा, खाना नहीं खा सकता सीधे से अगर आदमी सीरियसली इसको ले ले। अजीब बात है, आदमी का दिल इतना सख्त हो गया है, पत्थर का हो गया है कि आदमी कब्रिस्तान भी जाता है तो वहां भी उसके हाथ से मोबाइल नहीं छूटती, वहां भी हंसता है, वहां भी दुनिया के कामों में लगा रहता है। हाँ वो प्लाट, हाँ वो स्टार, यानी आदमी उस इबरत कटे थे, उस इबरत की जगह पर पहुंचने के बाद भी दुनिया का पीछा नहीं छोड़ रहा। इसी वजह से उसका इलाज बताया गया है कि दिल जब इस तरीके का हो जाए कि ऐसी इबरत की जगह में जाने के बाद भी अगर दिल न पसीजे, अगर दिल न करके और वहां जाकर के अगर आखिरत हमें याद ना आए तो एक काम करो। वो हदीस में बताया गया, हदीस इस तरह, वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरु ज़िक्र हाज़मिन लज़्ज़ात यानी अल-मौत, रवाहु तिर्मिज़ी की किताब ज़ोहर। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज को कसरत से याद करो, और ये लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज कौन सी है, मौत है। कितनी लज्जतें हैं दुनिया में, आदमी फल की लज्जतें लेता है, आदमी खाने की लज्जतें लेता है, कहां कहां जाए। बच्चों के देखो तीन तीन चार चार मोटरसाइकिल पर बैठे हुए शोर मचाते हुए गुजरते हैं, शोर मचाते, ट्रैफिक है भी नहीं फिर भी शोर मचाते हुए गुजरते हैं। ये हमारी कौन के बच्चे हैं, नौजवान कौन के आबरू होते हैं, लेकिन इनकी हालत देखो तो इतना अफसोस होता है कि ये कैसे बच्चे हैं, ये कैसे नौजवान हैं, इनको ना मौत का खौफ है, नहीं इनको आखिरत का कोई खौफ है, नहीं इनको मालूम अल्लाह का रसूल क्या है, नहीं इनको मालूम है कि अल्लाह क्या है, नहीं इनको मालूम है कि शिर्क क्या है, नहीं इनको मालूम तौहीद क्या है, नहीं इनको मालूम है कि मरने के बाद एक जिंदगी है और हम अपने इस दुनिया के अंदर किए गए तमाम करतूतों के हिसाब देने वाले हैं। तभी ये चीज हमारे जहन में आती है, एकदम सोचते ही और मौत इसी को छोड़ने वाली है। फरिश्ते लगे हुए, तो अगर वो रूह बदकार है तो खौफनाक शक्ल में फरिश्ते आते हैं और उसकी रूह निकाल लेते हैं। रूह कैसे निकलती है मौत, मैंने एक पोस्ट के ऊपर एक सांप को मरते हुए देखा, इतना खौफनाक होता है, लोग उससे डरते हैं, जानवर उसको देख करके भागते हैं,
सब तड़प तड़प के मर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह को पूरे बदन से कोई खींच रहा भाई। एक शेर को मैंने मरते हुए देखा जब वो कीचड़ में गिर जाता है बाहर निकल रहा है तड़प रहा है लोट रहा है जमीन के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बदन से उसकी रूह को खींच रहा हो और थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता बोल भी नहीं सकता कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है और दोनों को मैंने देखा कि तड़प तड़प करके मर गए अब उनकी रूह में कौन निकालता है उलमा का इस बात को इख्तिलाफ है अल्लाह ने उनके लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं बाद लोगों ने कहा कि वो फरिश्ते जो इंसानों की रूह निकालते हैं वही इन जानवरों को भी रूह निकालते हैं इसमें भी इस तरह से बहरहाल उनकी रूह को भी कब्ज किया जाता है इसलिए कि कब्ज की कैफियत जो इंसान के ऊपर तारी होती है वही कैफियत उन जानवरों को भी तारी होती है उनकी भी हालत कैसी होती वैसे ही तड़पना होगा और उस वक्त एक तरीके की बेहोशी तारी कर दी जाती है अल्लाह ने फरमाया जैसे एक नशा होता है आदमी को ऑपरेशन करने से पहले एक मुखद्दर चीज दे दी जाती है और आदमी बेहोश हो जाता है ऐसे ही मौत की बेहोशी है अल्लाह ने फरमाया वजाअत सकरतुल मौत बिलहक ذلك ما كنت منه تحيد मौत की बेहोशी आ गई हक के साथ ये वही चीज है जिससे तुम टकराता फिरता था दुनिया में तुम टकराता फिरता था ये वही मौत की बेहोशी है जो तेरे ऊपर आ चुकी है और ये अजीब चीज है कि दुनिया की सबसे खौफनाक चीज है दुनिया की सबसे खौफनाक चीज है मौत कुरान में एक अजीब बात कही गई है कि कोई आदमी किसी खौफनाक चीज को देखता है तो उसको मुखालिफ शब्द में भागता है अगर इधर से कोई सांप आ रहा हो इधर से कोई जानवर आ रहा हो कोई दुश्मन आ रहा हो पिस्तौल लिए तलवार लिए कोई मारने के लिए आ रहा हो तो आप किस तरह भागेंगे दुश्मन की तरफ नहीं उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे बुखारी संपूर्ण भाग दुश्मन जिस तरफ से आ रहा है आप किस तरफ से भागेंगे उसके बुखारी संपूर्ण में भागेंगे लेकिन अल्लाह फरमा रहा है और एक ऐसी चीज है कि आदमी उसी की तरफ भाग रहा है ये मौत जिससे तुम भाग रहे हो ये तुम्हारे सामने से आने वाली है तुम सामने से आ रही हो और तुम उसी की तरफ भागते जा रहे हो यह अजीब बात है सबसे बड़ा दुश्मन सबसे खौफनाक चीज उससे आदमी कैसा भाग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बल्कि उसी की संग में भाग रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जिंदगी का जो लम्हा गुजरता है उतना हमें मौत से करीब कर देता है एक घंटा गुजर गया तो हम एक घंटा मौत से करीब हो गए किसी आदमी के बारे में यह फैसला कर दिया गया हो कि कल तुझे सुबह 10 बजे फांसी दे दी जाएगी सर्वजुर्म पर सुना दिया जाता है जेल में कुछ लोग होते हैं मौलाना लोग होते हैं या जिस मजहब को मानने वाला होता है उसके मजहबी रहनुमा भी होते वो सब उससे मिलते हैं फर्द जुर्म पढ़कर सुना दिया जाए तेरा ये जुर्म है और इस जुर्म के पादाश में तुझको फांसी दी जाएगी और इसका वक्त मुतय्यन सुबह 7 बजे शाम में अगर इसको ये खबर दे दी गई तो सुबह 7 बजे ये फांसी दी जाने वाली है बताइए रात भर इसकी क्या कैफियत है ये हर मिनट मरेगा हर मिनट जिएगा हर मिनट मरेगा हर मिनट जिएगा लेकिन अजीब बात है कि हम हर लम्हा मौत के करीब हो रहे लेकिन हमारे होठों से हंसी नहीं जा रही हमारी शरारतें नहीं खत्म हो रही है हमारी बदमाशियां नहीं खत्म हो रही है किसका पाओ किसका ले लो हलाल हराम की कोई तमीज नहीं है जिसको चाहो सता लो जिसको चाहो परेशान कर लो जिसका चाहे माल खींच लो कौन का माल दबा लो कोई फिक्र नहीं बताओ जिस आदमी के बारे में फांसी का फैसला हो चुका हो क्या वो इस तरीके की हरकत कर सकता है इसका मतलब यह है कि मौत जो एक संजीदा हकीकत है हम उस हकीकत को दर हकीकत संजीदगी से ले ही नहीं रहे हैं जो कायनात की सबसे अटल और इंतहाई संजीदा हकीकत है तो जिस मौत से तुम भाग रहे हो यह तुम्हारे सामने से आ रही है तुम उसी तरफ भाग रहे हो
और इनमें मौत लगी अजीब दुश्मन है आदमी उसके उसी डायरेक्शन से भागने के बजाय उसी तरफ भाग रहा फिर इन नलों का नदी का फिर रूना मिला उसे इन उमड़ा थी तुम और फिर कहां जाना किधर है रू निकाल ली जाना किधर है जाना किधर है तुम मेरी ना तुम जाओ कहीं भाग कर नहीं जा सकते हमारी तरफ तुम्हें आना है और हमारे सामने खड़े होकर के तुम्हें अपनी जिंदगी में किए गए तमाम अमलों का हिसाब किताब देना है और ना कोई तर्जमान हो ना कोई गलत मुकदमा भी वकील के सामने रख देता है और वकील जो है अपने हुनर से और अपनी काबिलियत से जायज को नाजायज नाजायज को जायज ठहरा देता है। एक मुजरिम को जिसने सचमुच जुर्म किया हो अपने हुनर से अपने दलाइल से उसको छोड़ा लेता है लेकिन आखिरत में अल्लाह के सामने जब आदमी खड़ा होगा अल्लाह ने फरमाया वो कुल्लुहुम आती योमल कियामति फर्दा जैसे तुम तन्हा पैदा किए गए हो वैसे ही तुम्हें तन्हा मेरे पास आना है आदमी तन्हा पैदा होगा वाला कजी तुमरा फुरादा कमा खलकना तुम अगर अमर रहा तुम हमारे पास उसी तरह आने वाले हो जैसा कि हमने पहली मरतबा तुमको दुनिया में भेजा है आदमी बिल्कुल नंगा होगा नंगा नंगा होगा यहां तो आदमी अपना सत्र छुपाने के लिए अपना जिस्म छुपाने के लिए तरह तरह के कपड़े पहनता है लेकिन मैदान हश्र के अंदर सारे के सारे लोग नंगे होंगे बदन पर एक कपड़ा नहीं होगा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल ये सारे के सारे लोग मैदान हश्र में नंगे खड़े होंगे तो क्या एक दूसरे को देखकर शर्म नहीं आएगी औरतें भी वहां नंगी खड़ी होंगी मर्द भी वहां नंगे खड़े होंगे तो क्या एक दूसरे को देखकर शर्म नहीं आएगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा मसला इससे कहीं ज्यादा संजीदा है इसलिए कि वहां तो फैसला होने वाला है यहां तो हार जीत चलती रहती है कभी कोई हारा कभी जीत गया कभी जीता तो कभी हार गया तो हार जीत का सिलसिला दुनिया में चलता रहता है लेकिन वो जगह ऐसी है कि जो एक दफा हार गया वो हमेशा के लिए हार गया और जो एक दफा जीत गया वो हमेशा के लिए जीत गया अब फाइनल हार जीत का फैसला होने वाला है और फाइनल डिसीजन है और हार जीत का फाइनल डिसीजन है कि आदमी तो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा या हमेशा के लिए जन्नत में जाएगा इस फाइनल डिसीजन के वक्त आदमी को होश भी नहीं रहेगा कि कौन नंगा है मैं किस हालत में हूं औरत नंगी खड़ी है वो आदमी नंगा खड़ा है आदमी को होश नहीं रहेगा तमाम चीजें देखने के लिए तमाम चीजों को जानने के लिए जैसे वो आदमी जिसे शाम में फर्दे जुर्म सुना दिए जाने के बाद ये बता दिया जाता है कि सुबह 7 बजे को फांसी दे दी जाएगी उस आदमी के लिए खाना हराम हो जाता है वो तो सीधे से खा नहीं सकता तिलकिन मरता है सुबह तक पता नहीं कितनी मौतें मर जाता है बताओ उसकी क्या कैसे तो वो गुनाह कर सकते हैं बैठते हैं कोई गलती कर सकता है इसलिए कि उसके जहन में उसकी आंखों के सामने फांसी का लटकता हुआ फंदा सिर्फ नजर आ रहा है ऐसे ही कयामत के दिन सिर्फ आदमी को अपना फाइनल डिसीजन देखने की आरजू रहेगी और सिर्फ उसी तरफ निगाह रहेगी कौन नंगा है कौन नंगी है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा तो अल्लाह ने फरमाया वला तजीतुना फुरादा कमा खलकना तुम वला मरा तुम हमारे पास उसी तरह आने वाले हो जैसा कि हमने तुमको भेजा था नंगे गए थे और नंगे आने वाले हो दुनिया में आदमी ये कहता है ये मेरा है वो मेरा है लेकिन जाता है चंद गज कफन लेकर के और वो भी दफन का होता है मालूम है जिस मकान को उसने हलाल और हराम की तमीज के तहत बनाया है जल्दी से कहते इसको निकाल दो बाहर ले जाओ नहलाओ उसके कमरे में उसको नहीं नहलाया जाता बाहर नहलाओ इसको और जल्दी से इसको निकालो इस घर से कहीं गंदा ना हो जाए कमरा ये आदमी जो है ज्यादा देर तक रखा गया तो ये सड़ जाएगा इसकी बदबू पूरे कमरे में भर जाएगी पूरा मकान बदबूदार हो जाएगा उस आदमी ने जिसने हलाल हराम की तमीज के बगैर सारी चीजें बनाई बड़ी बेदर्दी से उसको बाहर निकाल दिया जाता है ये कहीं सड़ न जाए और ऐसी जगह पर उसको दफन किया जाता है जो चंदे की जगह होती है ये कब्रस्तान एक आदमी नहीं देता है बल्कि चंदा कर करके लोग उस जगह को खरीदते हैं जिंदगी भर ये मेरा वो मेरा और उसके बाद जब दफन होता है तो खैरात की जगह में दफन होता है खैरात की जगह में दफन होता है और कहते हैं कि मरने के बाद आदमी
आदमी ये दे देता है, मरने के बाद आदमी मेरी ये हाजत पूरी कर देता है। कोई फला कब्र के ऊपर जा रहे हैं, कोई फला आस्था के ऊपर जा रहा है, बाबा हमें कुछ दीजिए, बाबा हमें कुछ इनायत कीजिए। शिर्क के रद्द के लिए मौत ही काफी है। अगर आदमी मौत के ऊपर गौर कर ले तो फिर अल्लाह के आगे सर झुकाने के अलावा कोई और सर नहीं झुका सकता। वो देख रहा है कि नबी अगर दुनिया से जाता है, मर जाता है, तो उसे नहलाना पड़ता है। हमारे नबी से बड़ा कौन बोली, हमारे नबी से बड़ा दुनिया का कौन सा वली है बताइए आप? कोई नबी आपके बराबर नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि आपको नहलाया गया, आप खुद से नहीं नहा पाए, जिंदगी भर आप खुद से नहाते थे लेकिन आप खुद से नहीं नहा सके, आपको नहलाया गया, आपके लिए कब्र खोदी गई, आपको कब्र में उतारा गया और कब्र में रखने के बाद ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी गई। ऐसे ही कोई कितना भी बड़ा वली क्यों ना हो, उसे नहलाया जाता है, उसे दफनाया जाता है, उसके लिए जमीन खोदी जाती है, कब्र बनाई जाती है, कब्र के अंदर उसे रखा जाता है, उसके ऊपर मिट्टी बराबर कर दी जाती है। और जिंदगी में जिन इन सारी चीजों का मोहताज हो, खुद न नहा सकता हो, न कब्रस्तान तक जा सकता हो, अपनी कब्र न खुद खोद सकता हो, है न अपना कफन पहन सकता हो, न अपनी मौत रोक सकता हो, जो एक संजीदा हकीकत मरने के बाद देने लगता है, लाओ हमें दो। जो आदमी किसी चीज पर कादिर नहीं है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, नहा नहीं सकता, अपनी कब्र नहीं खोद सकता, अपना कफन नहीं पहन सकता, और मनोमन मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता तो कहते आप देने लगे, अब ये सब कुछ अता करने लगे। तो अगर आदमी गौर करे तो शिर्क के रद्द के लिए मौत ही काफी है। आदमी देख ले कि आदमी मरता है तो उसके साथ क्या हो, नबी भी नहीं नहा सकता, नबी भी अपने कपड़े नहीं पहन सकता, उसको नहलाना पड़ता है, उसको धुलाना पड़ता है, और इसी तरीके से उसके लिए कब्र खोली जानी पड़ती है, जैसे हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो एक संजीदा हकीकत, नजरों को तोड़ देने अगर शायद मौत को हमेशा याद रख, गुनाहों की शरह कम हो जाएगी। अभी देख करके आए, अरे यार तू कोई बोलने वाला नहीं है, बाकायदा खाना बन रहा है और लोग खाना ले लेकर के जा रहे हैं, खाना बना, खाना लेने करके जा रहे, कोई बोलने वाला नहीं, क्या हो रहा है? जबकि अजान हो जाए तो उस वक्त बैं और शरा दोनों हराम। कितने ठेले वाले, कितने फल वाले, कितने सब्जियों वाले अजान होने के बावजूद चीख चीख करके अपना सामान बेचते रहते हैं। जबकि अजान हो जाने के बाद, अजान शुरू हो गई तो खरीदो फरोख्त हराम है। ये अब आदमी अपनी हलाल चीजों को हराम के दायरे में दाखिल कर देता है अपनी हरकतों की वजह से। न नमाज का कोई एहतराम है, न रोजे का कोई एहतराम है, खाना बनवा ले खरीद रहे हैं, बेशर्मी की इंतहा है, बेगैरती की इंतहा है, और बताते हैं कि हमारे खिलाफ फरा पार्टी है, तो हमारे खिलाफ फरा पार्टी है, हम फना से परेशान है। अरे तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम खुद अपने दुश्मन हो। तुम अल्लाह के, एक होता है आदमी दूसरों की निगाह में गिर जाए, एक होता है आदमी अपनी निगाह में गिर जाए। गिरना चार तरीके का होता है, एक बुलंदी से गिर जाए, वहां से नीचे आ जाए, एक होता है आदमी दूसरों की निगाह में गिर जाए, और तीसरा गिरना होता है आदमी अपनी निगाह में गिर जाए, और चौथा होता है आदमी अल्लाह की निगाह में गिर जाए। ये अल्लाह की निगाह में आदमी गिरा तो सबसे हरीस और सबसे बदतरीन इंसान है जो अल्लाह की निगाह में गिर जाए। हम अल्लाह की निगाह में गिर चुके हैं, बेशर्मी और बेहरती इंतहा है। ये अल्लाह की निगाह में गिरना, बुलंदी से गिर जाना, दूसरों की निगाहों में गिर जाना, अपनी निगाहों में गिर जाना, ये सब गनीमत है, चलता है ये। लेकिन बंदा अल्लाह की निगाहों में गिर जाए उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। हम लोग अल्लाह की निगाहों में गिर चुके हैं, पलटो अल्लाह की तरफ, अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ तौफीक अता फरमाए। वाखो दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
अदावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ, जमाने के हर एक जालिम हर जाबिर से लड़ता हूँ। मुझे जो हुक्म रब्बी है वही मैं काम करता हूँ। मैं ऐसी कौम से हूँ जिससे बातिल दिल लरजता है।